अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। ताकतवरों की इस वक्त दौड़े लगी हुई हैं, क्योंकि आज इद्दत वाले नए जज ने यह वाजिया कर दिया कि ईद से पहले पहले वो इमरान खान की सजाएं मुअत्तल करने के हवाले से फैसला दे देंगे, जिसके बाद ये वाजिया हो गया कि ईद से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी पर अब कोई भी मुकदमा नहीं है जिनके अंदर उन्हें सजा सुनाई गई हो, लिहाजा इमरान खान तो मान नहीं रहा और ऊपर से पीटीआई एक नई तहरीक चलाने की जो है वो ऐलान कर चुकी है। फजलुर रहमान की मिन्नतें करने के लिए तो शहबाज शरीफ पहुंचे, लेकिन पीटीआई कंट्रोल नहीं हो सकेगी। ऊपर से ये जो बजट आया है ये अपने अंदर एक नया तमाशा और नया ड्रामा है, और आने वाले दिनों में इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो एक फसाद बरपा होगा वो भी हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि जब पीपल्स पार्टी से पूछा, पीपल्स पार्टी वालों ने पूछा कि देखिए आपने हमें एतमाद में नहीं लिया, ये जो बजट आप लेके आ गए हैं ना, ये आईएमएफ का बजट है, ये लोगों की चीखें निकलवा देगा, हमारा पॉलिटिकल कैरियर पहले ही तबाह हो चुका है, तो इसके बाद हमारा क्या होगा, आपने हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया। तो जरा ये बताते हैं, नून लीग वालों ने पीपल्स पार्टी को बताया हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया, यानी ये जो बजट आया है इसका हमें भी नहीं पता कि ये क्या बजट है, कैसा बजट है। क्योंकि इस बजट के अंदर जिस तरह से लोगों की चीखें, छोड़ दे चीखें तो हर बजट के अंदर आम लोगों की निकलती हैं, लेकिन पार्लियामेंट के बजट में इजाफा, सेनेट के बजट में इजाफा, वजीर आजम हाउस के बजट में इजाफा, और तो और फौज के बजट में इजाफा कर दिया गया है। अब इमरान खान के दौर में जो आखिरी जो है, बल्कि इमरान खान के दौर से पहले भी जो बजट था फौज का वो था 1530 अरब। उसके बाद जब साल 2023 और 2024 का बजट आया उस वक्त फौज का बजट था 1804 अरब रुपए, और इस दफा माली साल 2024 से 2025 फौज का बजट है 2112 अरब, यानी आप यूं कह लें को 300 से 400 अरब फौज के बजट में इजाफा किया गया। यानी कौम भूखी मरे, कौम जो है वो जो है एक एक बूंद के लिए, एक एक टके के लिए तरसे, और जो वो कमाए या सरकारी मुलाजमीन या दूसरे प्राइवेट मुलाजमीन जो कमाए वो उठा के सारी रकम टैक्स में दे दें या बिजली के बिलों के अंदर दे दें, जबकि पार्लियामेंट उसके बजट में इजाफा, कौमी असेंबली के बजट में इजाफा, वजीर आजम हाउस अपने वजीर आजम हाउस में जो रंग रलियां मनाएं उनके बजट में इजाफा, यानी जो अशराफिया है, जो रूलिंग एलीट है वो तो अय्याशी करे, उनके बजट के अंदर 300-300 अरब के इजाफे हो जाएं और कौम एक एक रुपए के लिए तरसे। तो यही वजह है कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने, तो उनसे सवाल किया गया, शहबाज राणा साहब इकोनॉमी के बड़े एक्सपर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि वजीर खजाना साहब आपने जो टैक्स लगा सकते थे आपने लगा लिए, आपने इस दफा ये जो होते हैं कबाड़िए कबाड़ इकट्ठा करते हैं उन पर भी आपने टैक्स लगाया है, कोई छोड़ा नहीं है आपने। आप इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा? तो इस पर वजीर खजाना साहब गुस्सा कर गए। तो असल में जो पूरी बदमाशिया है इस मुल्क पर, जिन लोगों का राज है वो तो एक टका टैक्स नहीं देते, ऊपर से टैक्स के पैसों से वो अय्याशियां कर रहे हैं। अगर मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तो चाहिए ये था कि ये जो फौज हो गई, जर्नैल हो गए, वजीर आजम हो गए, एमएनएज हो गए, सेनेटर्स हो गए, उनके ये जो गाड़ियां हजारों रुपए, हजारों यूनिटें बिजली की, गैस की, प्रोटोकॉल्स, वो काम होते, आपने कौम का खचूमा निकाल दिया। तो लिहाजा इसको लेकर अब जो है कौम तो उठेगी, और ऊपर से अगर इमरान खान रिहा हो जाए, जहां से बात शुरू हुई थी कि अगर इमरान खान रिहा हो जाए, क्योंकि अफजल मजोका साहब ने आज उन अदालत में समाप्त हुई तो उनको बताया गया कि ये हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर जो अपील पर फैसला करें, तो उन्होंने कहा मैं रिटर्न फैसले का इंतजार करूंगा, क्योंकि पहले जो मुझसे पहले जज थे उन पर 2 दफा एतराज हो चुका, तो लिहाजा मैं इस केस के अंदर कोई भी एतराज नहीं छोड़ूंगा। कहा गया कि सलमान अकरम राजा साहब सीनियर वकील हैं, वो अंडरटेकिंग दे देते हैं, उसके बावजूद वकील जज साहब ने कहा नहीं नहीं कल समाप्त रख लेंगे, कल मैंने जेल का भी विजिट करना है, उसके बाद या फिर समाप्त रख लेंगे, या मैं आपको गारंटी देता हूं, श्योरिटी देता हूं, ईद से पहले पहले मैं सजाएं मुअत्तल करने के हवाले से फैसला दे दूंगा। तो लिहाजा अब यह तो पता चल गया इमरान खान, बुशरा बीबी या शाह महमूद कुरैशी पर
कोई भी केस नहीं बचा। अब हो क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्यों खुल रही है? ताकतवरों की दौड़े क्यों लगी हुई है? नंबर वन तो साइफर केस, जिसके अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत बरी किया गया, अब एफआईए की जानब से सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि अगर ट्रायल ठीक नहीं हुआ था तो लिहाजा हाई कोर्ट को दोबारा ट्रायल के लिए यह केस भेजना चाहिए था, इसको खत्म नहीं करना चाहिए था, बरी नहीं करना चाहिए था, तो लिहाजा एफआईए की जानब से अब इसको सुप्रीम कोर्ट में यानी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की बरीयत को चैलेंज कर दिया गया है। अब देखना यह है काजी साहब इस पर क्यों क्या करते हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत का जमानत का मामला गया था साइफर केस में, तो वहां पर जो अजाफी नोट आया था या जिस तरह से जमानत दी गई थी, परखचे उड़ाए गए थे इस फैसले के, वो तो साहब के सामने है। दूसरे नंबर पे जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब सरप्राइज दे रहे हैं, और खासतौर पर जो 8 जजेस की उन्होंने तैनाती की थी, मैंने आपको बताया था ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा। मैंने आपको कल कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा। मैंने आपको यह भी कहा था, कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को उड़ा दे, क्योंकि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, लाहौर हाई कोर्ट का नहीं है, यानी ट्रिब्यूनल्स की जजेस की तैनाती करना। तो इस हवाले से अब लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो चैलेंज कर दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट 8 जजेस की तैनाती करने का मजाज नहीं था। तो इस हवाले से भी देखना यह है कि काजी फायज ईसा की अदालत क्या करती है मरियम नवाज की हुकूमत को बचाने के लिए, या फिर यह जो फॉर्म 47 की हुकूमत है उसको बचाने के लिए। तो मामला बड़े टफ हो चुके हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है एंकर इमरान रियाज, जिनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उन पर 2.5 करोड़ का जाली मुकदमा डाला गया। आज लाहौर के मजिस्ट्रेट ने जो है वो एंकर इमरान रियाज का मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन एंकर इमरान रियाज को एक और मुकदमे में, यानी वो जो बनाया गया है कि अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन्होंने बैरियर तोड़ा है, तोड़ फोड़ की है, तो वो थाना सर्वर रोड के अंदर जो पर्चा काटा गया है उसके अंदर एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो ये जो 2.5 करोड़ फ्रॉड वाला मुकदमा था उसके अंदर जो गवाह थे डॉक्टर अरशद, उनको भी कल अगवा कर लिया गया था, तो आज लाहौर हाईकोर्ट से उसकी बाजियाबी के लिए रजू किया गया। तो खबर है लाहौर हाईकोर्ट का इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे के गवाह डॉक्टर अरशद को कल अदालत में बाजियाब करवाकर पेश करने का हुक्म। अब इमरान रियाज के साथ जो हो रहा है इस पर इमरान रियाज का रद्दअमल आया है। वो कहते हैं गिरफ्तारी का मसला नहीं है, गिरफ्तारी का मसला नहीं है, गिरफ्तार मुझे पहले भी कई बार किया गया है, मुझे जो दुख है, मुझे जो तकलीफ है वो ये है कि मुझे हज पर नहीं जाने दिया गया, मुझे हज से जाने से रोका गया है। फिर आज जो है वो एंकर इमरान रियाज के भाई को अदालत के अंदर पुलिस वालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। खबर है पंजाब पुलिस के SHO फरकान का इमरान रियाज के भाई पर कमरे अदालत में तशद्दुद। इमरान रियाज ने जज को कहा कि इसने मेरे भाई को मारा है, हम इस SHO के खिलाफ तहरीरी दरखास्त दे रहे हैं, मेरे भाई पर नहीं मुझ पर तशद्दुद करो। ये इमरान रियाज ने कहा कि मेरे भाई को तकलीफ ना दो, उसे ना मारो, बल्कि मुझ पर तशद्दुद करो, क्योंकि मेरे भाई का कोई कसूर नहीं है, तुम्हें जो गुस्सा है वो मुझ पर है। अच्छा, इसके अलावा आज PTI का जो मरकजी सेक्रेटरिएट है G8 इस्लामाबाद वाला, उसको डी सील किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बैलफ गए, उन्होंने उसको डी सील किया, लेकिन इंतजामिया कहां बाज आने वाली है? वो जो अंदर की खारिश है वो खारिश तो खत्म नहीं ना होती। अब अंदर का जो बुग्ज है, अना है कि हमने सील किया, अदालत ने डी सील करवा दिया, अब किया क्या है गया है कि PTI का मरकजी दफ्तर जैसे ही डी सील हुआ तो वापडा ने PTI की सेक्रेटरिएट की बिजली ही काट दी। PTI का यह मौकफ है कि हमारे तमाम बकाया जात क्लियर हैं, हम हर महीने जो बिजली का बिल आता है वो अदा करते हैं, उसके बावजूद जनाब बिजली का जो मीटर है वो काट दिया गया। तो ये रियासत और इस तरह हठधर्मी पे जो है वो आई भी है, वो क्या कहते हैं पंजाबी के अंदर के थापियां बनिया वैर नहीं मुकदे। तो ये जो छोटे छोटे ड्रामे और तमाशे करके जो एक बैर इन्होंने बनाया हुआ है, तो इससे तो इमरान खान कंट्रोल नहीं होने जा रहा, या इससे तो अवाम के अंदर कोई बयानियां नहीं बनने जा रहा। मुख्तसर ये कि अदालतें खड़ाक पर खड़ाक करती जा रही हैं और इमरान खान को मजीद जेल में रखना मुश्किल हो चुका है, मुल्क चल नहीं रहा, चाइना से लेकर सऊदीया, सऊदीया से लेकर UAE साफ
इनकार हुआ, एक टका पाकिस्तान को मिला नहीं। बजट ऐसा लेके आ गए हैं कि जिसको ना नून लीग वाले दिफा कर पा रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले, और अपने फौज ने अपने बजट के अंदर इजाफा कर लिया। तो लिहाजा अब वो जो कहते ना कि गिरती हुई दीवार, दीवार गिरने वाली है, उसको बचाने के लिए ताकतवरों की अब आखिरी जो नजर है वो काजी फायज ईसा पर है। देखते हैं कि अब काजी फायज ईसा करते क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद।